वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी क्लासेस लाइक एमए एमएससी एमकॉम के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं उनको ये दिक्कत आ सकती है कि हम जो है अपना एडमिट कार्ड कैसे देखें, क्योंकि इस साल जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जो है वो बदल चुका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि शेखावाट गूगल क्रोम जो है उसके उस पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी आपको टाइप कर देना है। इतना सिंपल सा काम तो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से टाइप करने के बाद में जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस के अंदर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन नाम शो हो रहा होगा ब्लू कलर का, यहाँ पर ये वाला। तो इस एग्जामिनेशन पर आपको क्या कर देना, क्लिक करना है। ओके, एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे ब्लू कलर की लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही होगी, लिंक फॉर मैन एग्जाम फॉर्म 2022, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद में इम्पोर्टेंट्स लिंक्स जो है यहाँ पर आएंगे। इस इम्पोर्टेंट्स लिंक के अंदर आपको नाम दिख रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड 2022, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपके सामने क्लिक टू डाउनलोड फॉर यूजी एडमिट कार्ड और क्लिक टू पीजी एडमिट कार्ड, है ना, ये दो तरीके के शो हो रहे होंगे। आपको पीजी का देखना है तो आप पीजी वाले पर क्लिक कर देंगे, सिंपल सा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके पास इंटर फॉरम नंबर या फिर रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आया तो आप अपना फॉरम नंबर डालिए या फिर रोल नंबर डालिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, अब आपके पास रोल नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि रोल नंबर तो आप निकाल रहे हैं ना अपना एडमिट कार्ड के थ्रू, तो आपके पास आपका फॉरम नंबर होना ज़रूरी है। जब आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिली होगी, उस स्टूडेंट कॉपी के ऊपर आपको आपका फॉर्म नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी ने उस स्टूडेंट कॉपी को खो दिया है या फॉर्म नंबर आपके पास नहीं है, फ़ोन में सही सेव नहीं है या फिर कहीं पर भी मतलब आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आपके पास फॉर्म नंबर आप चेक कर सकें, तो यहाँ पर एक लाइन और ब्लू कलर की दे रखी है, अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर। ओके साथियों, आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस के अंदर आपको सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डालना है, फिर फादर नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर नीचे जो सर्च नाम दिख रहा है आपको इस पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास आपका फॉर्म नंबर जो है वो आ जाएगा, और वो जो फॉर्म नंबर है उसको आप यहाँ पर ला करके इंटर फॉर्म नंबर पर डाल करके और शो एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड जो है वो शो हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर आया है, आपके खुद की कॉलेज में आया है, आपके शहर में आया है या फिर किसी अन्य शहर में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको पता चल जाएगा, और वहाँ से आप अपना रोल नंबर भी कलेक्शन कर सकते हैं। जब आप प्रिंट आउट लेने जाओगे एडमिट कार्ड का तो वहाँ पर आपको आपका रोल नंबर या फिर फॉर्म नंबर ही पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप इस प्रोसेस पर सीधा पहुँच सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।